अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का पट भक्तों के लिए अब खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अबुधाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। बोचनसवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित मंदिर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में भव्य मंदिर को वास्तविक बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों का भी दिल जीत लिया। 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इसे हिंदू मंदिर के उद्घाटन को संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा गया। ये मंदिर भले हिंदू धर्म का है मगर इसमें हर धर्म का योगदान दिख रहा है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या जैन या बौद्ध। अबुधाबी का ये पहला हिंदू मंदिर सह अस्तित्व के विचार का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इस हिंदू मंदिर के लिए एक मुस्लिम राजा ने जमीन दान की है। इस मंदिर का मुख्य वास्तुकार एक कैथोलिक ईसाई रहा है जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख है, वहीं फाउंडेशन डिजाइनर एक बौद्ध है। जिस कंपनी ने इस मंदिर को बनाया वो कंस्ट्रक्शन कंपनी एक पारसी समूह का है और इस मंदिर का डायरेक्टर जैन धर्म से ताल्लुकात रखता है। इस तरह से इस हिंदू मंदिर में हर धर्म के लोगों के प्रतिनिधित्व की झलक दिख रही है। दरअसल अबुधाबी का ये बोचनसवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण हिंदू मंदिर यानी कि BAPS हिंदू मंदिर 27 एकड़ जमीन में फैला है। इस हिंदू मंदिर के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रीय शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने 27 एकड़ की जमीन दान में दी थी। ये मंदिर दुबई अबुधाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास 27 एकड़ क्षेत्र में बना है जो करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार किया गया है। खबरों की माने तो मंदिर अधिकारियों के मुताबिक शिल्प और स्थापत्य शास्त्रों हिंदू ग्रंथों के उल्लेखित निर्माण की प्राचीन शैली के अनुसार भव्य मंदिर बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में अत्यधिक तापमान के बावजूद श्रद्धालुओं को गर्मी में भी इन टाइल्स पर चलने में दिक्कत नहीं होगी। मंदिर में अलौह सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया। BAPS के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने कहा, ये वास्तुशिल्प पद्धतियों को वैज्ञानिक तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। तापमान दबाव और गति को मापने के लिए मंदिर के हर स्तर पर 300 से ज्यादा उच्च तकनीक वाले सेंसर लगाए गए हैं। सेंसर अनुसंधान के लिए लाइव डाटा प्रदान करेगा। अगर क्षेत्र में कोई भूकंप आता है तो मंदिर इसका पता लगा लेगा और हम अध्ययन कर सकेंगे। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया और नींव को भरने के लिए कंक्रीट मिश्रण में 55% सीमेंट की जगह राख का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के निर्माण प्रबंधक मधुसूदन पटेल ने कहा कि हमने परंपरागत सौंदर्य वाली पत्थर संरचनाओं आधुनिक समय के शिल्प को मिलाते हुए तापमान रोधी सूक्ष्म टाइल और कांच के भारी पैनलों का इस्तेमाल किया। यूएई में अत्यधिक तापमान को देखते हुए टाइल्स दर्शनार्थियों के पैदल चलने में सुविधाजनक होंगी। अबुधाबी के पहले मंदिर निर्माण का नागर शैली में किया गया है। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर में स्वसेवक उमेश राजा के अनुसार 20,000 टन से ज्यादा चूना पत्थर के टुकड़ों को राजस्थान में तराशा गया और 700 कैंटर में अबुधाबी लाया गया था।